सीएम योगी ने विपक्ष पर कसा तंज, कहा अब्बा जान कहे जाने वाले लोग हजम कर जाते हैं गरीबों का राशन, गरीबों का राशन निगलने वाले जेल जाएंगे। योगी ने साधा सपा पर सीधा निशाना। बहराइच में नहीं रुक रहा हत्याओं का सिलसिला, दो दिन में दोहरे हत्याकांड से दहला जिला, मामले का खुलासा करने में जुटी पुलिस। देश में कोरोना के मामलों में दिखी गई गिरावट, 24 घंटे में आए 27,000 से ज्यादा नए कोरोना केसेज, 24 घंटे में गई 219 कोरोना संक्रमितों की जान। बाराबंकी और आगरा में मिलावटी जहरीली शराब से हुई दर्जनों मौतें, आबकारी विभाग की टीम ने की छापेमारी, आबकारी टीम ने दो शराब माफियाओं को किया गिरफ्तार। पटेल का शपथ ग्रहण। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। पहली बार के बीजेपी विधायक बने भूपेंद्र पटेल आज गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। 59 साल के भूपेंद्र पटेल को कल सर्वसम्मति से बीजेपी विधायक दल का नेता चुन लिया गया था। सीएम पद से इस्तीफा देने वाले विजय रूपाणी ने ही बैठक में पटेल का नेता चुनने के लिए प्रस्ताव रखा था। इससे पहले पाटीदार समुदाय के ही कुछ नेताओं का नाम रूपाणी के उत्तराधिकारी के रूप में चल रहा था, लेकिन अचानक से भूपेंद्र पटेल का नाम सामने आया जिनकी कहीं कोई चर्चा ही नहीं थी। भूपेंद्र पटेल इससे पहले राज्य सरकार में मंत्री भी रहे। दिलचस्प बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जब 20 साल पहले गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे, उससे पहले वो कभी मंत्री नहीं रहे थे। मोदी को 7 अक्टूबर 2001 में मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई थी और वो राजकोट विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में जीत हासिल कर 24 फरवरी 2002 को विधायक चुने गए थे। तो अब से कुछ ही देर बाद पटेल का शपथ ग्रहण समारोह होगा जिसमें अमित शाह शामिल हो सकते हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। आपको बता दें कि एक बार के ही विधायक हैं यहां पर भूपेंद्र पटेल, लेकिन सीएम की कुर्सी की रेस जो है वो जीतते हुए नजर आए हैं। कल उन्हें सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता चुन लिया गया और विजय रूपाणी ने ही उनका नाम सजेस्ट किया था। ऐसे में मुबारकबाद उन्हें दी जा रही है और चारों तरफ बीजेपी, ये जो दाव चला है बीजेपी ने, उसके चर्चाएं हो रही हैं। दरअसल पहले जानकारी मिल रही थी कि जो रूपाणी नितिन पटेल की जोड़ी है उन सब चुनाव लड़ने की बात होगी, बीजेपी ये कहती हुई नजर आ रही थी, लेकिन 27 दिन में ऐसा क्या हुआ कि पूरा का पूरा बदलाव देखने के लिए मिल रहा है। सीएम बदल दिए गए हैं, विजय रूपाणी ने राज्यपाल को इस्तीफा सौंप दिया शनिवार को, उसके बाद कल विधायक दल के नेता चुने गए भूपेंद्र पटेल और आज उनका शपथ ग्रहण समारोह होगा। तो ऐसे में जरूर कहा जा सकता है कि बीजेपी कब कौन सी चाल चल दे कह पाना मुश्किल है। क्या उनके आइडियाज हैं, किस तरह से उनका ब्लूप्रिंट है, इसका अंदाजा कोई भी नहीं लगा सकता है। गुजरात में ऐसा ही देखने के लिए मिल रहा है। अब आगे क्या होने वाला है इसको लेकर लगातार निगाहें बनी हुई हैं। फिलहाल तो आज शपथ ग्रहण समारोह है जिसमें गृहमंत्री अमित शाह शामिल होंगे, तमाम मंत्री शामिल हो सकते हैं और भव्य तरीके से ये शपथ ग्रहण समारोह यहां पर रखा गया है। हालांकि कोरोना काल की वजह से कम ही लोग इसमें शामिल होंगे, कोरोना प्रोटोकॉल का पूरा पालन किया जाएगा। तो शपथ ग्रहण समारोह में अमित शाह शामिल होंगे, भूपेंद्र पटेल ने आखिरकार सीएम की कुर्सी जीत ली है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कभी वो मंत्री नहीं रहे हैं और पहली बार बीजेपी के विधायक बने और उसके बाद सीधे वो सीएम की जो कुर्सी है उसकी जो रेस चल रही थी वो जीत गए हैं। बहुत बड़ा दाव यहां पर खेला गया है। हालांकि बीजेपी किस तरह से ब्लूप्रिंट तैयार कर रही है गुजरात में ये समझ पाना मुश्किल है, लेकिन अंदाजा ये जरूर लगाया जा सकता है कि वाकई कब कौन सी चाल चलनी है ये बीजेपी को बखूबी आता है और इसी वजह से बीजेपी तमाम पार्टियों से अलग चलती हुई नजर आती है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, आज तमाम तैयारियां कर ली गई हैं शपथ ग्रहण की, क्योंकि अब से कुछ ही देर बाद 1.5-2 घंटे का समय बचा है, उसके बाद शपथ ग्रहण समारोह होगा और गुजरात को एक नया चेहरा सीएम के रूप में मिल जाएगा। विजय रूपाणी की बात की जाए तो काफी दुखी थे, लेकिन उन्होंने जब इस्तीफा दिया उसके बाद से ही चर्चाएं होने लगी थी कि आखिर क्या वजह है। उसके बाद से कल अब तक वजह साफ नहीं हो पाई कि आखिर मेन वजह क्या है इस्तीफा देने की, लेकिन कल जब बैठक हुई और विधायक दल के वो नेता चुने गए और खुद ही भूपेंद्र पटेल का नाम उन्होंने सजेस्ट किया, तो उसके बाद ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि अब जो कमान है गुजरात की वो भूपेंद्र पटेल के हाथों में चली गई है। लेकिन पहले जानकारी मिल रही थी कि नितिन पटेल का नाम सबसे आगे चल रहा है और रूपाणी और जो नितिन पटेल की जोड़ी है वो बखूबी काम करेगी गुजरात में, लेकिन बदलाव हुआ, 27 दिन में पूरी तरह से चेहरा बदल दिया गया।
और गुजरात से मेरे सहयोगी प्रणव राजपूत मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं। प्रणव, सबसे पहले ये बताइए कि शपथ ग्रहण समारोह से कुछ ही देर में शुरू होने जा रहा है, कैसी तैयारियां? शपथ ग्रहण होने वाला है वो गांधीनगर, शपथ ग्रहण होने वाला है राज्यपाल है जो उनके वहाँ राजभवन में ये शपथ ग्रहण का आयोजन किया गया। थोड़ी देर में राज्यपाल जो है पहुंचेंगे और एयरपोर्ट से सीधा सर्किट हाउस जाएंगे और वहाँ हम राज्यपाल होने वाले हैं। थोड़ी देर में गुजरात सरकार पहुंचेंगे और गुजरात सरकार का जो मंत्रिमंडल है उन्होंने राज्यपाल में बदल और यहाँ पे किया जाए सबके बारे में ठीक तरीके से नहीं पहुँच पा रही है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की, पटेल का आज शपथ ग्रहण समारोह है, लेकिन यहाँ अगर देखा जाए तो जो भूपेंद्र पटेल हैं उनका चेहरा तो खिला हुआ है क्योंकि एक बड़ी जिम्मेदारी उन्हें मिलने जा रही है। देखिए, चेहरा खिला हुआ है, खुशी बहुत है लेकिन जिम्मेदारी भी उतनी बड़ी है। लेकिन अगर नितिन पटेल की बात की जाए तो नितिन पटेल की आंखों में आंसू है क्योंकि उम्मीद जताई जा रही थी कि लगातार उनका नाम रेस में बना हुआ है। मेरे सहयोगी प्रणव राजपूत एक बार फिर से मेरे साथ जुड़ गए हैं। प्रणव, क्या कुछ तैयारियां हैं शपथ ग्रहण समारोह की? आपको बताना चाहूंगा जिस प्रकार से जो शपथ ग्रहण है वो गांधीनगर आपको बताना चाहूंगा जिस राजभवन में होने वाला है। जो आचार्य देवव्रत जो है जो गुजरात गांधीनगर आपको राज्यपाल है राजभवन में होने वाला है। नए सीएम आचार्य देवव्रत जो है जो गुजरात गांधीनगर करवाएंगे राज्यपाल है राजभवन में होने वाला है। नए सीएम आचार्य देवव्रत जो है जो गुजरात गांधीनगर करवाएंगे राज्यपाल है राजभवन में बैठने वाला है। नए सीएम बिल्कुल प्रणव, देखा जाए। देखिए, यहाँ मैं जानना चाहूंगी कि जो रूपाणी और नितिन पटेल हैं उनकी जोड़ी पर बात की जा रही थी कि उनकी जोड़ी जो है वो गुजरात में जो चुनाव होंगे, चाहे वो स्थानीय चुनाव हो या आने वाले समय में विधानसभा चुनाव हो, वहां तक ये जोड़ी पहुंचेगी। लेकिन 27 दिन में ऐसा क्या हुआ कि सीएम का चेहरा ही बदल दिया गया? जहां नितिन पटेल सबसे ज्यादा रेस में आगे थे वो पीछे छूट गए और भूपेंद्र पटेल आगे आ गए गुजरात में जो पाटीदार सेक्टर है जो पाटीदार काफी आगे है और कभी ना कभी जो गुजरात के अंदर जो भी जैसे केंद्रीय में देखा जाए तो भी काफी सारे पाटीदार नेता है। गुजरात में देखा जाए तो भाजपा का तो मंत्रिमंडल है उनमें भी काफी सारे पाटीदार नेता है और पाटीदार सेक्टर जो बहुत बड़ा है और पाटीदार सेक्टर के हिसाब से विधानसभा जो आने वाला है ना अगले साल उनमें पाटीदार सेक्टर से जो कहीं ना कहीं अमित शाह और मोदी साहब ने ये सोच के पाटीदार सेक्टर जो नए जो सीएम बनाए तो तस्वीरें आप देख रहे हैं शपथ ग्रहण समारोह में अमित शाह शामिल होंगे, तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। लेकिन ये सबके जहन में सवाल है कि आखिरकार 27 दिनों में ऐसा क्या हुआ जो बीजेपी को गुजरात में सीएम का चेहरा बदलना पड़ा? अगर बात की जाए तो बीते 6 महीनों में बीजेपी ने अपने तमाम सीएम के चेहरे बदले हैं। अगर उत्तराखंड की मैं बात करूं तो उत्तराखंड में 2 चेहरे बदल दिए गए, अब गुजरात में चेहरा बदल दिया गया है। उसके बाद शिवराज सिंह चौहान का नाम भी सबसे सामने आया है। ऐसे में लोग ये प्रयास लगा रहे हैं कि क्या सीएम के चेहरे बदलने से बीजेपी को आगे चलकर बहुमत हासिल होगा दोबारा से जो उसने 2019 में देखा था? क्या ये 2024 की तैयारी है? क्योंकि कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि 2024 में एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लोकसभा चुनाव लड़ा जाएगा। ऐसे में अभी से तैयारियां कर ली जा रही हैं क्योंकि इन 2 सालों की मैं बात करूं, चाहे वो 2021 की मैं बात करूं या 2020 की, तो कोरोना काल में यहां विपक्ष जो है वो सरकार पर हमलावर होता रहा है। लोगों ने तमाम परेशानियां झेली हैं, चाहे वो कोई सा भी राज्य हो, हर जगह आर्थिक स्थिति जो है वो गड़बड़ाती हुई नजर आई है। ऐसे में जनता का जो विश्वास है वो बीजेपी पर से ना उठे, ऐसे में कोशिश की जा रही है कि अभी से ही तमाम तैयारियां कर ली जाए ताकि 2024 में भी बीजेपी को अच्छा खासा रिस्पांस जनता की तरफ से मिले। हर जगह भगवा जो है बीजेपी, वो चाहती है कि भगवा रंग हर जगह दिखाई देना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि सीएम के चेहरे फिर क्यों बदले जा रहे हैं? क्या विजय रूपाणी पर से विश्वास बीजेपी का उठ गया था या कोई और वजह है, या नितिन पटेल जिनका नाम सबसे आगे था उन पर से आखिर विश्वास क्यों उठा है, या सिर्फ और सिर्फ ये एक चाणक्य नीति के तौर पर देखी जा रही है?
तमाम सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश लगातार हम कर रहे हैं। मेरे सहयोगी भी गुजरात से कई बार मेरे साथ जुड़े हैं लेकिन उनसे संपर्क ठीक तरीके से नहीं हो पा रहे हैं, बार बार उनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आपको तमाम जानकारियां हम दे रहे हैं। तो अब से कुछ ही दिन में शपथ ग्रहण समारोह जो है वो होने जा रहा है और आखिरकार सीएम की कुर्सी की जो रेस है वो भूपेंद्र पटेल जीतते आए हैं। कल जो विधायक दल की यहां पर बैठक हुई थी उसमें सर्वसम्मति से निर्विरोध उन्हें विधायक दल का नेता चुन लिया गया। विजय रूपाणी ने उनका नाम सजेस्ट किया और आखिरकार अब वो आज सीएम पद की शपथ लेने जा रहे हैं। 2:30 बजे भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है। तो शपथ ग्रहण समारोह में कौन कौन शामिल होगा, ऐसे तमाम सवाल सामने आ रहे हैं। सबसे पहला नाम अमित शाह का सामने आया है और मेरे सहयोगी प्रणव एक बार फिर मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं। प्रणव, क्या तैयारियां हैं, कैसी तस्वीरें हैं? अमित शाह तो पहुंच ही रहे हैं शपथ ग्रहण समारोह में, बड़ा चेहरा कौन कौन शामिल हो सकता है शपथ ग्रहण समारोह में? आचार्य देवव्रत वो शपथ ग्रहण को सीएम पद का शपथ ग्रहण करवाएंगे। और दूसरी बात मैं बता दूं कि जिस प्रकार से अमित शाह भी शपथ ग्रहण को और थोड़ी देर में सर्किट हाउस करवाएंगे अहमदाबाद। दूसरी बात मैं बता दूं सर्किट हाउस में हम बैठक करने वाले हैं गुजरात, थोड़ी देर में सर्किट हाउस करवाएंगे। दूसरी बात बड़े बड़े चेहरे हैं गुजरात, थोड़ी देर में सर्किट हाउस करवाएंगे। और यंगस्टर जो किए जाएंगे इस प्रकार से जो अमित शाह सर्किट हाउस में बहुत बड़ी जो मीटिंग्स है वो कर रहे हैं। फिर यहाँ अगर मैं बात करूँ नितिन पटेल की तो उनका एक बयान सामने आया है, वो ये कह रहे हैं कि मुझे पार्टी से कोई गिला शिकवा नहीं है लेकिन आंखों में आंसू जरूर हैं। क्या ये कहा जा सकता है? मुझे पूरी उम्मीद थी कि अगला सीएम गुजरात का वही हो सकते हैं लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। नितिन पटेल जैसे चेहरे से उदास तो है ही लेकिन क्या उनको दूसरी बार सीएम पद से आते आते रुक गए हैं? क्योंकि पहले भी जब विजय रूपाणी को जब सीएम बनाना था तभी भी उनका नाम आगे चल रहा था लेकिन फिर जब डिक्लेरेशन हुआ तभी भी अमित शाह में शामिल थे, तब जब उनका डिक्लेरेशन हुआ एक घंटे में तभी भी डिक्लेरेशन नितिन पटेल का नाम नहीं आया था। और काफी जब उनका विजय रूपाणी को सीएम बनाया गया था तभी भी नाराज थे और काफी नितिन पटेल 2 महीने तक नाराज रहे थे, तब जाके उनको विजय डेप्यूटी सीएम बनाया गया उनको दी गई। और अभी भी फिलहाल महीने तक जो नए सीएम की रेस में उनका नाम आगे चल रहा था उनको दी गई। नितिन पटेल का नाम इस वक्त भी नहीं आया और एक नया ही चेहरा नए सीएम भूपेंद्र पटेल उनका नाम आ गया। इसके लिए अभी भी नितिन पटेल जो कल सीधा जो भाजपा कार्यालय से कमलम वहाँ से तुरंत ही निकल गए थे और महसाणा जो एक सरकारी प्रोग्राम थे वहाँ पे पहुंचे थे और नाराजगी उन्होंने वहाँ पे व्यक्त की। ठीक है प्रणव, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। आप नजर बना के रखिएगा, अपडेट लगातार हम आपसे लेते रहेंगे। तो आज शपथ ग्रहण समारोह है और इसमें अमित शाह शामिल होंगे जो सबसे बड़ा चेहरा बताए जा रहे हैं। उसके अलावा भी तमाम जो मंत्री हैं वो शामिल हो सकते हैं। 2:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा लेकिन यहां अगर नितिन पटेल की बात की जाए तो उनकी आंखों में आंसू नजर आ रहे हैं। ऐसे में वो ये तो कह रहे हैं कि पार्टी से कोई गिला शिकवा नहीं है लेकिन अंदर खाने एक दर्द सा वो जरूर महसूस करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल आज गुजरात को नया चेहरा सीएम के तौर पर मिलने जा रहा है। यूपी में अब्बा जान, आखिर कौन है ये अब्बा जान? दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नाम लिए बगैर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को निशाने पर लिया है। कुशीनगर में सैकड़ों करोड़ की परियोजनाओं को शिलान्यास करते हुए योगी ने नाम लिए बगैर कांग्रेस को आतंकवाद की जननी और समाजवादी पार्टी को बिच्छू करार दिया है। योगी ने सपा के साथ बसपा को घेरा और कहा कि इनकी सरकारों ने बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित ना करते लोगों को अंधेरे में रखा। दरअसल भाजपा के सबका साथ सबका विकास नारे को गति देने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को कुशीनगर पहुंचे थे। सपा बसपा की पूर्ववर्ती सरकारों पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 2017 के पहले राशन तक नहीं मिलता था। अब्बा जान कहे जाने वाले लोग
उसे हजम कर जाते थे। कुशीनगर का राशन नेपाल और बांग्लादेश जाता था, आज गरीबों का राशन निगलने वाले जेल जा रहे हैं। सही मायने में देश के विकास देश के राजनीतिक एजेंडे को उन्होंने बदला। जो देश की राजनीति 1947 में जाति मत मजहब क्षेत्र भाषा और परिवार और वंश तक सीमित थी, प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसे गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए और बिना भेदभाव के समाज के प्रत्येक तबके के लिए पहुंचाया। और आज उसी का परिणाम है कि हर तबके के लोगों को विकास समान रूप से मिल रहा है, विकास सबका, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं। और भाइयों बहनों, तुष्टीकरण की राजनीति जब तक देश के अंदर थी तब विकास नहीं था। राशन मिल रहा होगा ना आप लोगों को, राशन मिल रहा है, मिलना है राशन। क्या ये राशन 2017 के पहले भी मिलता था? सपा पर निशाना साधा और कांग्रेस को भी नहीं बख्शा है। दोहरे हत्याकांड का पर्दाफाश और आखिर हत्याकांड का खुलासा कब होगा? दरअसल बहराइच में हत्याओं का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। बीते शनिवार को फकरपुर थाना क्षेत्र में दो मासूम बच्चों का शव गन्ने के खेत में बरामद हुआ था, जिनकी अभी तक पुलिस शिनाख्त नहीं करा पाई है कि फकरपुर थाना क्षेत्र में फिर हुए दोहरे हत्याकांड ने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। फकरपुर थाना क्षेत्र में लखनऊ बहराइच राष्ट्रीय राजमार्ग से 100 मीटर दूरी पर चकमार्ग के किनारे रविवार को धान और गन्ने के खेत से एक महिला और एक 5 साल के मासूम का शव बरामद हुआ। महिला का सिर धड़ से गायब था, दोनों की गला रेत कर हत्या कर शव को फेंका गया था। खेत देखने गए यादवपुरी गांव निवासी किसान ने गन्ने और धान के खेत में महिला और बच्चे का शव देखा। शव मिलने से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। देखते ही देखते मौके पर सैकड़ों लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। ग्रामीणों ने मामले की सूचना SO फकरपुर को दी। महिला और बच्चे की पहचान नहीं हो सकी है। CO केसरगंज कमलेश कुमार और SO फकरपुर राजेश कुमार दलबल के साथ मौके पर पहुंचे। काफी तलाश के बाद महिला का सर जो है धड़ से 50 मीटर की दूरी पर मिला। 48 घंटे में लगातार दूसरी बार डबल मर्डर से बहराइच दहल उठा। वहीं घटना की सूचना पाकर पुलिस अधीक्षक बहराइच सुजाता सिंह की तरफ से थाना फकरपुर, घटना स्थल ग्राम मलुकपुर और माधोपुर का निरीक्षण किया गया। शव की पहचान और घटना के जल्द खुलासे के लिए पुलिस की 4 टीमों का गठन कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। बहराइच की तस्वीरें आप देख रहे हैं। दोहरे हत्याकांड से पूरा बहराइच दहल उठा है। दरअसल 2 दिन में 2 शव मिलने से सनसनी फैल गई है। एक शव महिला का मिला जो कि पूरी तरह से क्षतिग्रस्त था और इसके अलावा जो दूसरा शव है वो मासूम बच्चे का मिला है। दोनों की पहचान अब तक नहीं हो पाई है, लेकिन इस सनसनीखेज वारदात से पूरे इलाके में दहशत का माहौल जरूर है। 48 घंटे से ज्यादा का समय बीत गया है, लेकिन एक भी हत्याकांड का खुलासा अब तक नहीं हो पाया है। ऐसे में कानून व्यवस्था पर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं। अभी पुलिस छानबीन कर रही है। ये थाना फकरपुर लगता है, माधोपुर गांव है। इसमें एक महिला की और एक बच्ची का मिला है शव, और जल्दी ही इस घटना का खुलासा करेंगे हम लोग। और सारी टीमें लगा दी गई हैं, 4 टीमें लगी हुई हैं। कुछ हमको लीड्स भी मिले हैं, उस पर काम कर रहे हैं हम लोग। बहुत जल्दी घटना का खुलासा होगा। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी अनिल तिवारी मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अनिल, क्या कुछ अपडेट मिल रहा है इस दोहरे हत्याकांड पर? ये हम आपको बताना चाहेंगे कि ये बहराइच जनपद में काफी सनसनी मच चुकी है। पिछले 24 घंटे के अंदर 4 लोगों की हत्याएं हुई हैं, जिनमें से 3 मासूम बच्चे हैं और 1 महिला है। और इन हत्याओं के पीछे किसका हाथ है, अभी तक पुलिस खाली हाथ बैठे हुई है। और जहां तक बात करें पुलिस की, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, जितना वो दम भरते हैं कि हमारे लिए पुलिस काफी एक्टिव है, यहाँ पर एक गुप्तसंगी दिखाई पड़ रही है। और अभी उन मृतकों में से 4 की शिनाख्त नहीं हो पाई है। तो आप में कहीं ना कहीं पुलिस से बहुत बड़ा ये सवाल है, सवाल उठता है कि आखिर रात की जो गश्त पुलिस है वो क्या करती है, और 24 घंटे के अंदर लगातार
दो लाशें और मिली है जिसमें एक मासूम बच्ची है और एक उसकी माँ है जिसका सिर का। अनिल, क्या किसी की तरफ से थाने में कोई FIR दर्ज की गई है कि कोई महिला लापता है या मासूम बच्चा लापता है, ऐसी कोई जानकारी? ये बहराइच जनपद में इस प्रकार की गुमसदगी रिपोर्ट तो नहीं दिखाई जा पा रही है, लेकिन पड़ोस के जनपद सीतापुर और लखीमपुर और बगरगढ़ डिस्ट्रिक्ट बलरामपुर सरावती और गोंडा में इस प्रकार की सूचनाएं सोशल मीडिया के जरिए तो पुलिस को वायरल कर रही है कि अगर वहां तो गुमसदगी हो या चोटों की वजह से पचास हो गई इन बच्चों की, इनके परिजनों की, तो कहीं ना कहीं हम उस पर आसानी से काम कर सकते हैं। क्योंकि सोचने वाली बात है कि मीडिया ने जो संज्ञान में लिया तब जिले के साथ साथ प्रदेश के आला अधिकारी मौके पर आए और आज मौके पर IG रेंज जो गोरखपुर है उन्होंने मौके पर निरीक्षण किया है और उन्होंने कप्तान सुजाता सिंह को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द जितना जल्दी हो सके इस घटनाक्रम का खुलासा होना चाहिए। और उत्तर प्रदेश यहाँ के जो कप्तान है सुजाता सिंह, उन्होंने इसके खुलासे के लिए 4 टीमें बनाई है। जी बिल्कुल अनिल, देखा जो आए तो बहराइच में पुलिस ये जरूर कहती हुई नजर आती है कि वो पूरी तरह से सक्रिय है और रात में भी गश्त करती है, लेकिन हकीकत तो इन हत्याकांड से पता चल रही है कि पुलिस का खौफ जो है बहराइच में बदमाशों के अंदर जरा भी नहीं है। जी हाँ बिल्कुल, बदमाशों के अंदर खाकी का डर नाम का कोई चीज नहीं रह गया है। क्या सोच सकते हैं कि एक ही थाना क्षेत्र में 4-4 हत्याएं होना, कहीं ना कहीं अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है कि हत्या करके उन लाशों को यहाँ पर वो फेंक देते हैं और उनके मौके पर शिनाख्त नहीं हो पाती है। काफी अपने आप में बड़ा सवालिया प्रश्न उठता है कि आखिर मित्र पुलिस करती क्या है, पुलिस का किस काम के लिए बनी है, जबकि 112 नंबर से लेकर जो बीट के अधिकारी होते हैं, दरोगा होते हैं और जो कांस्टेबल होते हैं लगातार वो भ्रमण पर रहते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके इस कार्यशैली पर सवाल यह पर रोक रहा है। और जहां तक बात करेंगे हमें SP बहराइच की, तो काफी अपने आप को तेज में प्रस्तुत करती है तबादले को लेकर, लेकिन क्राइम के मामले में कहीं ना कहीं उनकी यहाँ पर ये फेलियर दिखाई पड़ रहा है। तो इस प्रकार से जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं विपक्ष के लिए एक अच्छा खासा मौका होगा कि वो इस प्रकार की हत्याओं से और कानून व्यवस्था को लेकर कहीं ना कहीं वो कदम उठा सकती है। जी और ठीक है अनिल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो हत्याकांड ने कानून व्यवस्था पर कई सवाल खड़े किए हैं, अब तक 48 घंटे से ज्यादा का समय हो गया है, ना तो शिनाख्त हो पाई है और ना ही ये पता चल पाया है कि आखिर हत्या कैसे की गई है, क्या हत्या यही की गई है यहां पर शव को लाके फेंका गया है। तमाम सवाल उठ रहे हैं लेकिन अब तक किसी भी बात का खुलासा नहीं हो पाया है। लखीमपुर खीरी में दुधवा टाइगर रिजर्व जंगल के बीच गुशवी दुधवा रेल ट्रैक पर एक बाघ चहलकदमी करता हुआ दिखाई दिया। रेलवे ट्रैक पर बाघ को टहलते देख गश्त कार्य में लगे कर्मियों ने उसे अपने कैमरे में कैद कर लिया। करीब 10 मिनट तक बाघ रेलवे ट्रैक के आसपास चहलकदमी करते रहा, जिसके बाद वो जंगल में चला गया। उधर उत्तर प्रदेश के इकलौता दुधवा टाइगर रिजर्व अपनी हरी भरी वन संपदा और उसमें रहने वाले दुर्लभ वन जीवों के लिए देश से लेकर विदेशों में अपनी चर्चा का विषय बना हुआ है और देश और विदेश से आने वाले सनाली हाथियों की पीठ और जिप पर सवार होकर दुधवा जंगल में खुलेआम घूमने वाले दुर्लभ वन्य जीवों को देखकर खुशी से झूम उठते हैं। वहीं कोरोना संक्रमण के नए मामलों में रविवार को गिरावट देखी गई है, अब सोमवार को पहले से भी कम मामले सामने आए हैं। सुबह स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में 27,254 नए कोरोना केस आए हैं। इससे पहले 28,000 नए केस सामने आए थे, यानी एक दिन पहले की मैं बात कर रही हूं। वहीं पिछले 24 घंटे में 219 कोरोना संक्रमितों की जान चली गई है। 37,000 से ज्यादा लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं, यानी कि 10,000 से ज्यादा एक्टिव केस कम हो गए हैं। केरल में पिछले 24 घंटे में कोविड के 20,240 नए मामले सामने आए, जिससे संक्रमितों की संख्या बढ़कर 43,75,431 हो गई है। वहीं संक्रमण से 67 लोगों की मौत होने से मृतकों की संख्या बढ़कर 22,551 हो गई है। 24 घंटे के दौरान 1,15,575 नमूनों की जांच के बाद संक्रमण दर 17.51% दर्ज की गई है। स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर कुल 41,30,065 हो गई है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।